और दोस्तों मेरे तरफ तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। इस टाइप से लेबर लोग धान के बोझा को बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं अभी फ़िलहाल आया हुआ हूँ अपने खेतों की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी गांव पे ही हूँ और फसल कट चुका है, आप देख भी सकते हैं। देख लीजिए, ये फसल कट चुका है और दिखाता हूँ आप सबको कि किस तरह से काम होता है हमारे खेतों में। या कहीं भी अगर धान का चावल का फसल हो रहा है तो इसी तरह से शायद होता होगा। कहीं कहीं मशीन के द्वारा भी डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी बोझा बन रहा है, ये खलिहान में जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारा धान का जो फसल है वो कटने के बाद कुछ दिन सूखने दिया जाता है और उसके बाद इस तरह से इकट्ठा करके एक एक मुट्ठी, और उसके बाद फिर से उसको बांधा जाता है। अब कैसे बांधा जाता है वो भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ और कैसा बोझा बनता है। देखिए इस टाइप से। ये लेबर लगा हुआ है सब, इस टाइप से लेबर लोग धान के बोझा को बनाती है। देखिए किस तरह से बोझा बनता है। लगभग देखिए चारों ओर का फसल लगभग कट चुका है, किसी किसी का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी सारे जो फसल हैं धान का जो कट चुका है। और दोस्तों मेरे तरफ तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:30, इसलिए मैंने कोई स्वेटर नहीं लिया है, फिर भी मैंने अंदर में एक पहन लिया है, टी शर्ट अंदर में है और ऊपर से फुल टी शर्ट। फिर भी हल्का हल्का ठंडा महसूस हो रहा है, लेकिन धूप है इसलिए मैंने कुछ नहीं पहना है। आप सब के तरफ भी ठंड बढ़ ही गया होगा, सीज़न ही है ठंड का। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अलग ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।